एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू डीएनएन ने लिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। 28 सीटों पर मतदान जारी है और हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, सब कुछ हो गया है, जनता के हाथ में है, मतदाता घर से बाहर निकल रहा है, अब शिवराज जी के दिल में क्या चल रहा है? सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है, उसका रोड मैप मेरा तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने भेंट किया है, तत्काल चर्चा करके उस रोड मैप को अंतिम रूप देके और उस पर तेजी से काम करना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है प्रदेश का, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी है, और उसमें अर्थव्यवस्था और रोजगार भी है, और उसमें महिला सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण और गरीबों की भलाई की योजनाएं भी हैं। माने 10 तारीख के परिणाम का बिना इंतजार किए हुए मुख्यमंत्री का रोड मैप तैयार है और काम हो चुका है, कह सकते हैं कि कल किसानों के खाते से जो शुरुआत हुई है वो और आगे देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जनता को लाभान्वित करने का क्रम जारी रहेगा। कई चुनाव बहुत करीब से देखे हैं सर, मतदान का प्रतिशत खासतौर से उपचुनाव और खासतौर से ये जो अलग परिस्थितियां हैं, यहाँ पर ज्यादा मतदान भाजपा के लिए फायदेमंद है या कम मतदान? देखिए, मतदान लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान अधिकतम होना चाहिए, हम तो चाहते सब वोट डालें, और भारतीय जनता पार्टी तो जब जनता साथ है तो जो भी मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद ही होगा। शिवराज जी की सूचना और आकलन दोनों एक हैं तो वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। मर्यादाएं जो टूटी है सर, खासतौर से अभी दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया है उसको लेकर शिवराज जी क्या कहेंगे? सर, अब तो सब कुछ मतदान मतलब मतदाता के हाथ में है। हमको सबको मर्यादित रहना चाहिए और अपने आचरण ऐसे रहने चाहिए जिससे हम जनता को भी दिशा दिखा सकें। लीडर का ये सही नेतृत्वकर्ता का कर्तव्य होता है, लेकिन इस चुनाव में सारी मर्यादाएं तार तार हुई है, एक बार फिर आत्मविश्लेषण करना चाहिए। सर, बस दो छोटे छोटे अंतिम सवाल। पूरे चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप जो भी चलता रहा, लेकिन हर सभा में देखा है कि शिवराज जी ने विकास की बात को ही आगे बढ़ाया है। कल तक भी, आज तक भी वही बात कह रहे हैं आप लगातार, तो विकास के प्रति पूरा भरोसा है सर, या इस चुनाव में कोई सोशल इंजीनियरिंग या दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे हैं? मुख्य मुद्दा विकास और जनकल्याण ही रहेगा। तो सर, बस वही आकलन, 28 सीटों पर भाजपा और शिवराज की सोच क्या? हम सभी पर आसान्वित हैं। कांग्रेस को कोई संदेश देना चाहेंगे? कमलनाथ जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता। हम सब सोचें कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत है, अगर कहीं गलत हैं तो उस गलती को ठीक करके आगे ठीक दिशा में चलें। बहुत बहुत धन्यवाद डीएनएन से चर्चा करने के लिए शिवराज जी। तो शिवराज जी का जो सोच है वो विकास के प्रति है और इस चुनाव में उसी मुद्दे पर उन्होंने पूरा फोकस बनाया है, और अब जब मतदान चल रहा है तब रोड मैप जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसकी तैयारी जोरों पर है, और 10 तारीख तक जब परिणाम आएंगे तो काफ़ी कुछ इसके संकेत शिवराज खुद देंगे। राकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री निवास, भोपाल।